दीपा गुड्डू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को प्यार भरा प्रणाम और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग भी स्वस्थ मस्त होंगे और मैं भी थोड़ी बहुत स्वस्थ हूँ क्योंकि गले में थोड़ा सा कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया था तो अब इसी वजह से इतने टाइम से मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ख़राब निकल रही है। वैसे तो मोटी थी लेकिन अजीब सी निकलती है तो मैं बोल भी नहीं पाती ज़्यादा। और आज हमारे गांव में जो भूमि पूजन है उसके लिए हम ठंडी ठंडी हवा जहाँ लेंस राहुल गई थी वो छोड़ करके अपने गांव आ गई हूँ। यहाँ पे गर्मी बहुत होती है तो आज भूमि पूजन है और सारे गांव के लोग आ रखे हैं, मतलब जो जो आ सकता है। तो कोई और पूजा तो यहाँ होती है नहीं तो भूमि पूजन को ही हम अच्छे से पूजते हैं। और ये सल्ट महादेव का नज़ारा कुछ और यहाँ से देवी मैया का जो मंदिर है वहाँ भी नज़र पड़ती है हमारे घर से, और तीन मंदिरों पे नज़र पड़ती है, संतोषी माता, दुर्गा मैया और भोलेनाथ, हमारे घर से ये नज़र पड़ती है। तो सुबह सुबह का नज़ारा कुछ यहाँ से ऐसा दिखता है। और अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे देना है वहाँ के लिए जो चढ़ाने के लिए जो प्रसाद देते हैं उसको अग्याल बोलते हैं वो। और हमारी छन्नी में बांधी हुई है ताई ने छोटी छोटी बकरियाँ, बहुत सुंदर लग रही हैं। गुड्डू सुबह शाम उनको देखने के लिए आ रही है, ये बिल्कुल अभी सो के उठ के आई थी। क्या बेइज्जती कर रहे कुकर में बॉट हो गया, देखो गुड़िया रोटियों को उठा के इधर रख दे, वो तो खा ला, क्या नाम बोलियो बकरा छ। यहाँ पे बन रहा है जो पूजा का खाना होता है वो। कुछ लोग पहुंच चुके हैं वो मंदिर के पास में और कुछ लोग अभी आ रहे हैं। यहाँ से भी हमारे जो गांव का नज़ारा है कुछ इस तरीके से दिखता है। थोड़ी चढ़ाई है वैसे तो मैं आ रहा था लेकिन फिर भी चढ़ाई में आओ तो सांस फूल जाती है और वो भी कड़कते की धूप पड़ी हुई है। अम के टाइम यहाँ से जो व्यू आएगा वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आएगा क्योंकि यहाँ से माता रानी के दर्शन भी होते हैं, वहाँ सल्ट महादेव जी के दर्शन होते हैं महादेव के सल्ट में, सल्ट जगह का नाम है वहाँ। तो चारों दिशाओं से इधर संतोषी मैया का मंदिर है तो शाम के टाइम बहुत अच्छा व्यू आता है, बट मैं आ नहीं पाती क्योंकि घर पे सारे जेंट्स रहते हैं और खाना बनाना, चाय बनाना, फिर इस वजह से नहीं आ पाती। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी बना दूँ यहाँ से जितना भी आ पाएगा। यहाँ से शंकरपुर का नज़ारा और गाँव है कुछ। ठीक जगह पकड़ रहा तिल गुरु
की जो होता है कि मतलब चढ़ाना होता है, एक भेली चढ़ानी होती है, तो वो मैंने वहाँ पे चढ़ाई और उसका जो प्रसाद होता है तो सबको गांव में आते आते बांटते बांटते मुझे खाना भी बनाना था क्योंकि, तो फिर मैं सबसे पहले घर पहुँच गई। तो रास्ते में मुझे जेठ जी लोग मिले तो सबको प्रसाद, इतनी दूर से उन्हें पता चल जा रहा है कि वो हमारे ताऊ जी आ रहे हैं। वही है पक्का, देखो ब्राउन पजामा और भूमि पूजन के बाद जो प्रसाद बन के आता है तो वो ये है, गुड़ गुड़ डला हुआ रहता है चावलों में, और ये रोट है, ये हलवा है, और ये पकौड़ी टाइप के हैं कुछ। और भूमि पूजन होने के बाद रात का जो खाना है तो वो पूरे गांव वाले एक सामने बैठ के ही बनाएंगे और खाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ गांव में आटा गूंदने और रोटी बनाने, मतलब जो जो भी हो रहा होगा, तो मैंने सोचा टाइम से चली जाती हूँ। और ये गांव में जाते टाइम कुछ भिंडी इधर कुछ, यहाँ पानी की बहुत कमी है तो इतना नहीं हो पाता। और वहाँ बैठी हैं दादी, दादी का अड्डा गुड्डू दिन अमनी मिल हम था दादी हम हाँ। अब मिलिए, ये सबसे पुराना घर है हमारा अड्डे के अंदर वाले अड्डे में। अल्ले खोलू या मुंह, अरे बाबा से मैं जाऊं को मदर मुंह लो घर मन मत उड़ जाओ ताई तो साफ है नजर आ। अपनी चप्पल निकालो और अपनी चप्पल में बैठ जाओ। चुप रही है, हाँ डाल दो जी, तो सब्जी में नहीं खाएगी एक दे दो मैं। अच्छा उन्हें जोरे उन्हें खंडो खंडो फिर हम सब लोगों ने एक सामने बैठ के खाना खाया। और बहुत अच्छा लगता है जब सारा गांव इकट्ठा होकर खाना खाता है, चाहे किसी की शादी ब्याह हो चाहे कोई और पार्टी हो, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो आज का जो व्लॉग है वो भी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। जय श्री राम।